नंगा पर्वत, जिसे स्थानीय भाषा में डायमर के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है किंग ऑफ द माउंटेन्स, पृथ्वी पर नौवां सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी समुद्र तल से शिखर की ऊंचाई 8126 मीटर है, जिसे अगर हम फीट में नापेंगे तो 26660 फीट होता है। नंगा पर्वत हिमालयन माउंटेन रेंज का वेस्टर्न एंकर है और यह सबसे पश्चिमी 8000 मीटर ऊंचा पर्वत है। यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिले में सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी उत्तर दिशा में काराकोरम माउंटेन रेंज का पश्चिमी छोर है। अपने आसपास के इलाके से बहुत ऊपर उठती एक विशाल नाटकीय चोटी, जिसे एक बेहद मुश्किल और खतरनाक चढ़ाई के रूप में भी जाना जाता है, कई पर्वतारोहियों के जीवन को समाप्त कर चुकी है। इस पर हुई अधिक मौतों की संख्या के कारण इसे किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण में नंगा पर्वत का रूपल फेस, जो कि इसके बेस से 4600 मीटर यानी कि 4600 मीटर ऊपर उठता है, इसी कारणवश इसे दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन फेस कहा गया है। नंगा पर्वत पृथ्वी पर केवल दो चोटियों में से एक है जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की सूची में टॉप 20 में रैंक करता है और दुनिया की सबसे प्रमुख चोटियों की सूची में 9वें व 14वें स्थान पर है। आपको बता दें, दूसरा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो दोनों ही सूचियों में पहले स्थान पर है। माउंट एवरेस्ट के बाद नंगा पर्वत हिमालय की दूसरी सबसे प्रमुख चोटी भी है। नंगा पर्वत का मुख्य स्तंभ जोजी ला है, जो कि कश्मीर घाटी में स्थित है, जो इसे शेष हिमालय और काराकोरम रेंज से जोड़ता है। नंगा पर्वत का मूल भाग साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व की ओर एक लंबा रिज है। यह रिज बर्फ और चट्टान के एक विशाल थोक से बना हुआ है। इसके कुल तीन फेज है, डायमर फेस, रैकियट फेस और रूपल फेस। इस रिज के दक्षिण पश्चिम भाग को मेंजनो वॉल के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कई सहायक चोटियां हैं। इसकी पहुंच के परिणाम स्वरूप यूरोपीय लोगों द्वारा खोजे जाने के तुरंत बाद नंगा पर्वत के शिखर तक पहुंचने का प्रयास शुरू हो गया। 1895 में एल्बर्ट एफ मुमरी ने जोफ्री हेस्टिंग के साथ शिखर पर एक अभियान का नेतृत्व किया और पर्वत के डायमर फेस पर लगभग 6100 मीटर तक पहुंच गए। लेकिन बाद में मुमरी और दो गोरखा साथियों की रैकियट फेस की खोज में मृत्यु हो गई। 1930 के दशक में नंगा पर्वत हिमालय में जर्मन रुचि का केंद्र बन गया, क्योंकि यह उनके लिए सुलभ उच्चतम पर्वत था और उस समय क्लाइंबर्स द्वारा संभव भी माना जाता था। नंगा पर्वत के पहले जर्मन अभियान का नेतृत्व 1932 में विली मार्कल ने किया था, जो कि पूर्णतः सफल नहीं रहा था। 1937 में कार्ल वीएन ने पहाड़ पर एक और अभियान का नेतृत्व किया, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए जैसा कि विली मार्कल के अभियानों ने किया था। प्रगति हुई थी, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण पहले की तुलना में धीमी गति से। 14 जून 1937 के आसपास 7 जर्मन और 9 शेरपाज लगभग पूरी टीम रैकियट पीक के नीचे कैंप 4 में थे, जब एक हिमस्खलन उनके ऊपर से निकल गया। सभी 16 क्लाइंबर्स की मृत्यु हो गई। नंगा पर्वत पर पहली बार 3 जुलाई 1953 को जर्मन ऑस्ट्रियाई नंगा पर्वत अभियान पर ऑस्ट्रियाई क्लाइंबर हरमन बोहल द्वारा रैकियट रिज के माध्यम से चढ़ाई की गई थी। इस अभियान के समय तक नंगा पर्वत पर कुल 31 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। आपको बता दें, इस अभियान का अंतिम भाग एकदम नाटकीय था। लगभग 1300 मीटर की चढ़ाई बाकी थी, तभी बोहल के बाकी साथियों ने वापस जाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके बावजूद हरमन ने चढ़ाई जारी रखी और चोटी पर पहुंच भी गए। बोहल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले 8000 मीटर की चोटी पर पहली चढ़ाई की है। दूसरी सफल चढ़ाई 1962 में जर्मन्स के द्वारा की गई थी, डायमर फेस का इस्तेमाल करते हुए। 1984 में फ्रेंच क्लाइंबर लिलियन बराड ने अपने पति मॉरिस बराड के साथ नंगा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। नंगा पर्वत पर पहली बार 26 फरवरी 2016 को अली सतपारा, एलेक्स टॉक्सिकॉन और सिमोन की एक टीम द्वारा सफलतापूर्वक शीतकालीन चढ़ाई की गई। दोस्तों, इसके अलावा नंगा पर्वत पर कई बार चढ़ाई की गई है, कुछ सफल भी रही हैं और कुछ असफल रही हैं। आंकड़ों के अनुसार 2021 तक नंगा पर्वत पर 287 बार चढ़ाई की गई है। इस दौरान कुल 64 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इस प्रकार की जानलेवा चढ़ाई के बावजूद आपको इस पर चढ़ने के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्चने होंगे और इसके अलावा आपको बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के साथ अपनी फिजिकल फिटनेस को भी ठीक करना होगा, तभी आप नंगा पर्वत पर एक्सपीडिशन कर सकते हैं।
नंगा पर्वत से जुड़ी जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।